दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमारे इंडिया के कई शहरों से छोटे हैं। उन्हीं में से एक कंट्री एंडोरा में आज पहुंच चुका हूं, जो कि बसा हुआ है स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर। नमस्ते। एंडोरा का टोटल एरिया है 468 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लगभग बराबर है जयपुर के टोटल एरिया से। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंडोरा के मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस के बारे में, और इसके अलावा हम बात करेंगे एंडोरा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों एंडोरा एक आर्ट लविंग कंट्री है। तो अभी आप जो मेरे पीछे आर्ट देख रहे हैं, ये है सेवन पोइट्स ऑफ एंडोरा की आर्ट। तो ये दिन में तो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग ही रही है, जब रात में इस पर डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइट के, तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अगर आप एंडोरा आ रहे हैं तो ये आपकी मस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से होना चाहिए। और ये बस स्टेशन से काफी क्लोज है, लगभग 3-4 मिनट्स की वॉक करके ही आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं एंडोरा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों एंडोरा है एक न्यूट्रल कंट्री, जैसे कि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है, और इसने आज तक कभी भी किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एंडोरा कंट्री में कोई आर्मी नहीं है। तो बेसिकली इसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्पेन और फ्रांस की आर्मी के द्वारा। वैसे तो एंडोरा एक कंट्री है, बट ऑफिशियली ये एक प्रिंसिपैलिटी है। प्रिंसिपैलिटी का मतलब होता है जहाँ पर रूल करते हैं प्रिंस या प्रिंसेस। एंडोरा पर रूल करते हैं दो प्रिंस, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड द बिशप ऑफ ओर्जेल। दोस्तों एंडोरा कंट्री को ज्वाइंटली गवर्न किया जाता है, इसलिए एंडोरा कंट्री का जो फ्लैग है वो स्पेन और फ्रांस के फ्लैग्स का मिक्सचर है। दोस्तों वैसे तो एंडोरा दुनिया की 14th ओल्डेस्ट कंट्री है, लेकिन ये सबसे लीस्ट नोन कंट्रीज में से भी एक है। दोस्तों एंडोरा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कैटलन लैंग्वेज है। वैसे तो एंडोरा में हर साल 8 से 10 मिलियन लोग पूरी दुनिया से विंटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात यह भी है कि 1976 से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हुए भी एंडोरा ने आज तक एक भी मेडल नहीं जीता है। दोस्तों एंडोरा आने के पहले मैंने सोचा नहीं था कि एंडोरा इतनी खूबसूरत जगह है, और अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ की मोस्ट फोटोजेनिक प्लेस, जो कि है प्लाजा दे पोबले। और यहीं पर आप देख रहे हैं पीछे सेंट स्टीव चर्च, जो कि इस लोकेशन को और खूबसूरत बना रहा है। दोस्तों अभी मुझे एंडोरा में एक चीज बड़ी इनोवेटिव लगी कि जो पेडेस्ट्रियन के लिए रेड लाइट है, उसके अलावा इन्होंने जेब्रा के आगे भी एक रेड लाइट दी हुई है। और देखिए जब सिग्नल ग्रीन हो गया तो फिर यहाँ लाइट भी ग्रीन हो गई। दोस्तों एंडोरा की इकोनॉमी टूरिज्म के अलावा शॉपिंग और मार्केट बेस्ड भी है, तो फ्रांस और स्पेन से भी लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। दोस्तों एंडोरा के लोग मुझे काफ़ी खुश मिजाज लगे, और इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करें तो एंडोरा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसमें टॉप 12 की रैंकिंग में आता है। Guys, now we have few friends from Andorra, and we will ask what they like most about Andorra. Okay, I like the price of anything. There is a good price of all things, like I don't know, the cars, things like that. So you like shopping most then? Yes, I like that. Okay, what's your name? Paul. Paul, what do you like most about Andorra? The mountains. The mountains. Great. Which is your favorite sport? Rugby. Wow. And you, what's your name? My name is Julia. What do you like most about Andorra? The food. Okay, so our friends have different hobbies and different, you know, different perceptions about the country. So yes, pleasure meeting you all. Thank you so much. Yeah, thank you. Really nice to meet you guys. Thank you. Thanks. Namaste.
दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ पर एक स्कल्पचर के सामने जो कि है द नोबिलिटी ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली एक मीटिंग क्लॉक है जो ब्रोंज की बनी हुई है और इसका वेट है 1400 किलोग्राम। इसमें आप देख पा रहे होंगे दो स्टैचूज भी, तो लेफ्ट में एक लेडी बनी हुई है और राइट में है एक एंजल। तो जो लेफ्ट में लेडी है उसका मतलब है टेंजिबल, लाइफ का टेंजिबल पार्ट, और ये जो राइट में है दैट इज इनटेंजिबल। एंडोरा का टोटल एरिया है 468 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंडोरा है दुनिया की 16th स्मॉलेस्ट कंट्री, और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो क्या आप बिलीव करेंगे कि पूरी कंट्री में बस 80,000 सिटीजन्स रहते हैं। 80,000 मतलब ये हो जाती है दुनिया की 11th स्मॉलेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं यूरोप के सबसे बड़े केबल ब्रिज के ऊपर, तो हम चल रहे हैं अब कैनिलो। तो दोस्तों मैं कैनिलो पहुंच चुका हूं और कैनिलो के टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से मैंने टिकट ले लिया है पॉन्ट तिब्बत का। पॉन्ट तिब्बत इज द ब्रिज जिस पर अभी हम जाने वाले हैं। एक टिकट का प्राइस है 12 यूरो, तो 12 यूरो में आपका बस भी इंक्लूड होती है और आपके जो ब्रिज पे एंट्री है वो भी इंक्लूडेड होती है इसमें। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं पॉन्ट तिब्बत ब्रिज के ऊपर, और ये ब्रिज है 603 मीटर लंबा और इसके अलावा 1875 मीटर ऊंचा है ये सी लेवल से। तो आप सोचिए कितनी ऊंचाई पर ये ब्रिज बना हुआ है। आइए एंट्री करते हैं ब्रिज के अंदर। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं ब्रिज के दूसरी साइड। तो ये सीरियसली बहुत लंबा ब्रिज है, 630 मीटर लंबा, और अब पूरा आपको फिर से 630 मीटर वापस जाना होगा। तो यहाँ पर आने का मेरा एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट था क्योंकि जो व्यूज़ हैं यहाँ के वो काफ़ी ब्रेथ टेकिंग है। तो आप भी खुद एंजॉय करिए इन व्यूज़ को, यू आर डेफिनेटली गोना लाइक इट। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि आप एंडोरा कैसे जाएं। तो अगर आप स्पेन जा रहे हैं तो एंडोरा है स्पेन के काफी नजदीक, और आप अपनी एंडोरा की वन डे ट्रिप बार्सिलोना से आसानी से प्लान कर सकते हैं। बार्सिलोना से एंडोरा है 4 आवर्स की जर्नी पर, तो ट्रैवल के लिए जो बेस्ट मोड होता है वो होता है एक बस। वैसे स्पेन एक रोड ट्रिप पर जाना हम में से हर किसी का सपना होता है, और यहाँ पर हो रहा है एक खूबसूरत सा सनराइज। तो 4 आवर्स के ट्रेवल के बाद बस ने हमें ड्रॉप किया है एंडोरा ला वेला के मेन बस स्टॉप पर, और बस यहाँ से टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से आप ले लीजिए एंडोरा का एक सिटी मैप, और उसके बाद आप रेडी हैं सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों एंडोरा में मुझे नेचुरल, मॉडर्न और एंशियंट तीनों टाइप की ब्यूटी देखने को मिली, और मैं आपको एंडोरा हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप विजिट करें। आप यहां की वन डे ट्रिप इजीली प्लान कर सकते हैं अगर आप स्पेन आ रहे हैं तो। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।